स्वागत है। खबर लखनऊ से है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को नया आशियाना मिला है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को सरकारी बंगला आवंटित हुआ है। कालिदास मार्ग पर स्थित 9 नंबर बंगला आवंटित किया गया है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया है। नया आशियाना मिला है जितिन प्रसाद को। कल ही कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं जितिन प्रसाद और उन्हें कालिदास मार्ग पर स्थित 9 नंबर का बंगला आवंटित किया गया है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को सरकारी बंगला आवंटित हो गया है। कालिदास मार्ग पर स्थित है ये बंगला। 9 नंबर बंगला आवंटित किया गया है। कल ही जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और अब उन्हें सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। बंगला नंबर 9 आवंटित किया गया है जो कालिदास मार्ग पर स्थित है। कल ही जितिन प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली थी और आज जितिन प्रसाद को सरकारी बंगला आवंटित हो गया है। कालिदास मार्ग पर 9 नंबर का बंगला इन्हें मिला है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए। चंद्रमणि, बंगला आवंटित हो गया है, कब शिफ्ट होंगे जितिन प्रसाद इस सरकारी बंगले में? जी बिल्कुल, अगर बात करें जितिन प्रसाद की तो जितिन प्रसाद को कल कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और आज इनको बंगला अलॉट कर दिया गया है। और ये खासतौर से वो बंगला अलॉट किया गया है जो पहले कमला रानी वरुण को अलॉट किया गया था, जिनकी कोरोना काल में दुखद मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में वो मंत्री पद भी खाली था और वो बंगला भी खाली था। तो अब ये जितिन प्रसाद को अलॉट किया गया है। निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि जो बड़े बंगले हैं उसमें जितिन प्रसाद को बड़े बंगलों में से एक बंगला अलॉट किया गया है। वहीं दूसरी बात अगर बात करें कि अब इस ये चर्चाएं हैं कि जब बड़ा बंगला अलॉट कर दिया गया है तो कोई बड़ा विभाग भी अलॉट किया जाएगा। तो अब ये देखने वाला होगा कि उन्हें विभाग कौन सा अलॉट किया जाता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जितिन प्रसाद जो कल मंत्री बने थे आज उन्हें सरकारी बंगला मिल गया है। यानी कि सरकारी तौर पे वो कहाँ पर आधिकारिक तौर से निवास करते हैं उनका लखनऊ का अब नया पता है। वो 9 कालिदास मार्ग पर वो अब उनका नया पता बन गया है। जी चंद्रमणि, कब तक ये अपने नए बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं, कुछ जानकारी? जी निश्चित तौर से अगर बात करें नए बंगले की तो नए बंगले पर अब उन्हें अलॉट हो गया है। पर जितिन प्रसाद हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद वो बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। अब देखना होगा कि जितिन प्रसाद किस तरह से शिफ्ट होंगे। बिल्कुल, शुक्रिया चंद्रमणि जानकारी के लिए। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को सरकारी बंगला आवंटित हो गया है।